यह दुखदायक है, अपने आप ये मामला तीन बच्चों की डूबने की वजह से मौत हो गई। कुलदीप जी, सबसे पहले आपकी ये प्रतिक्रिया, अब वहां पर अगर चौकसी होती तो शायद ऐसे हालात नहीं बनते। देखिए, ये बहुत दुखद है और मैं उनकी उस पर अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन ये इसलिए माननीय मुख्यमंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई लोग ऐसी जगह जाने से बचे। हम समझ सकते हैं दिल्ली वालों को इससे दिक्कत हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी, लेकिन उन्हें थोड़ा सब्र रखना चाहिए और ऐसी जगह पर जाने से बचना चाहिए जहाँ पानी का बहाव है या पानी भर चुका है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसी जगह जाने से बचेंगे नहीं तो मुझे लगता है ऐसे हादसे होंगे और हम सबको इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये अपील कर रहे हैं और मैं उनकी इस हादसे पर दुख जाहिर करता हूँ। बहुत दुखद समय है, ऐसे समय पर इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और शासन को भी वहाँ तैनात रहना चाहिए था। अवेयर तो करना पड़ेगा ना, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा और दिल्ली वालों से भी गुजारिश है अपने बच्चों को इस तरह से नहीं छोड़े। यकीनन अब इस तरह से हादसों को अगर आमंत्रित किया जाएगा, इस तरह की स्थिति बेहद जरा सोचिए, जिनके घर के बच्चों की जान गई है उनके ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया है, जिन बच्चों की जान गई है उनके घर जाएंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, अभी उसमें जो भी आगे, अभी मुझे अभी आपके चैनल से पता लगा है, जो भी उसमें रहेगा आगे जो सरकार करेगी उसमें निश्चित रूप से हम लोग उनकी सहायता भी करेंगे, मदद भी करेंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूँ दिल्ली वालों से कि ये बहुत दुख का समय है और हम सबको इस समय पर एहतियात बरतनी चाहिए, ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए जहाँ पानी भरा हुआ है। इसलिए ही दिल्ली के सभी स्कूलों की छुट्टी की गई है, इसलिए ऑफिसर्स को सबको कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम में काम करें, सारे कंपनीज को कहा गया है, तो सब लोग इस पर एहतियात बरते। ये बहुत दुख का समय है। बच्चों की मौत की घटना बहुत दुखदायी है, पीड़ादायक है और शब्दों की कमी पड़ रही है कि दिल्ली देश की राजधानी में इस तरह के हालात हो रहे हैं कि बच्चे क्या रोका जा सकता था इस तरह के हादसे। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो 50,000 सिविल डिफेंस के लोग भर्ती किए गए थे, जो चौराहे पर खड़े किए जाते थे, बत्ती ऑन ऑफ किए गए, वो कहाँ चले गए अब? क्या सिविल, मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, सिविल डिफेंस के जो 50,000 से ज्यादा लोग आपने भर्ती किए हैं उनको आप सड़कों पर उतारिए, लोगों की जान बचाइए। एक भी गार्ड इस तरह के लोग वहां पर अगर होते तो शायद इस दुर्घटना से बचा जा सकता था। इस पूरे घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ, और मंत्री जी इसका सीधा जवाब दें जिनके अंतर्गत ये पूरा बाढ़ नियंत्रण आता है। सवाल तो दिल्ली पुलिस को लेकर भी पूछा जाएगा ना, दिल्ली पुलिस भी तो चौकसी करती है। मैं तो इतना कहूंगा, जिस जो चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, जो भी है, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और दिल्ली की सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत सिविल डिफेंस के वर्कर्स को सड़क पर उतारिए। जो आपने सिर्फ अपने पार्टी के प्रचार के लिए तो बाहर निकाले, लेकिन इस संकट में दिखाई नहीं दे रहे। जल्दी से अनिल भारद्वाज, एक आपकी टिप्पणी। हमारी बहुत संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति भी और बच्चे जिनकी जान गई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली जिन लोगों की भी जिम्मेदारी थी उनका जांच होनी चाहिए और जांच के बाद उनकी सजा भी तय होनी चाहिए। परिवार का चिराग गया है। हम दो बात बड़ी गंभीरता से और विनम्रता से कहना चाहते हैं। ये दोनों सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ खड़े हैं, दोनों सरकारें दिल्ली को बचाएं, दिल्ली के लोगों को बचाएं, वाद विवाद छोड़ के संवाद करें, चीजों का कोऑर्डिनेशन करें। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस आने को तैयार है, हमेशा आपके साथ काम करने के लिए, लोगों की मदद के लिए हम आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। आपने कहा हमारे कैंप नहीं चल रहे, मैं कैंप में आपको दिखा भी दूंगा। साथ साथ आप राहत पैकेज डिक्लेयर करिए, दिल्ली के बहुत बड़ी संख्या में ये लोग जो लाखों लोग पीड़ित हैं, इनका कम से कम, उन दुकानदारों का, उन परिवारों का जिनको राहत चाहिए। कांग्रेस ये मांग करती है पूरी जिम्मेदारी के साथ कि कम से कम 10 लाख रुपए का राहत पैकेज इमीडिएटली डिक्लेयर किया जाए और ये सरकार इस पे बाद में बाकी चीजें करे, पहले काम करे। हाँ देखिए, मैंने पहले कहा था इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, विजेंद्र गुप्ता जी उससे बाज नहीं आए। उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस में 50,000 लोग भर्ती किए गए, बिल्कुल झूठी और नहीं। पहले मेरी बात पूरी हो जाए, पहले सुन लीजिए, आपने गंदी राजनीति करी, मैं बता दूं सवाल। मैंने देखिए दूसरी बात, इन्होंने कहा 50,000 वॉलंटियर भर्ती किए, मैं चैलेंज करता हूं, नेटा दिखा दे। निस्वार्थ भाव से सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हजारों की संख्या में, निश्चित्रा जी, उनको 1 रुपए तनख्वाह नहीं मिलती है, वो बेचारे निस्वार्थ भाव से सड़कों पर आज काम कर रहे हैं, आप जाके देख लीजिए। और अगर दिखा दे 50,000 लोगों को, चैलेंज करता हूं। दूसरी बात ये, दिल्ली पुलिस वहां पे क्या कर रही थी? बैरिकेडिंग क्यों नहीं किया गया उस इलाके? पूछा तो मैंने, दिल्ली पुलिस के लोग क्या कर रहे थे? लेकिन विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली पुलिस का नाम आते ही भाग जाते हैं। दूसरी बात राहत पैकेज की बात, ऐसा है विजेंद्र गुप्ता से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने, सुनिए, केंद्र सरकार ने सभी भारत पीड़ित राज्यों को जो ग्रांट दी, दिल्ली को क्यों नहीं दी? बताइए क्यों पैकेज नहीं दिया? चित्रा जी,
मेरा सवाल है, बताइए पहले राहत पैकेज दिल्ली को क्यों नहीं दिया, कितने रुपए दिया, कितना दिए थे बताइए, दिल्ली को कितना पैकेज दिया, दिल्ली को कितना पैकेज दिया राहत का बताइए प्रधानमंत्री जी ने, क्या दूसरे निकाले प्रधानमंत्री दिल्ली से मांगा आपने, अरे दे रहा बता तो रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए सारे हाँ तो मांगा जा रहा है, लगातार मांगा जा रहा है राहत पैकेज दिल्ली के लिए, दिल्ली को राहत पैकेज दे, राहत पैकेज देखिए मेरी बात सुनिए, दिल्ली मांगा कितना लगातार मांग रहे, मुख्यमंत्री लगातार लेटर लिख रहे हैं इनको, तो अमित शाह जी चिट्ठी लिख दी तो घबरा गए, चिट्ठी क्यों लिख दी, अरे क्यों नहीं लिखेंगे चिट्ठी अमित शाह जी को, आपने कहा ना चिट्ठी क्यों लिख दी अमित शाह जी को, क्यों राहत पैकेज कब आपने प्रधानमंत्री से राहत, देखिए कौन से राज्य ने मांगा था प्रधानमंत्री राहत पैकेज, अभी आप बताइए दिल्ली में राहत के लिए आपने कब मांगा है, आपने खुद ही बताया ना कब, राजी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली में अगर बाढ़ के आज हालात बन गए हैं, उनको पता है दिल्ली की स्थिति खराब है, दिल्ली बाढ़ के हालात बने हुए, दिल्ली सरकार को राहत पैकेज देना चाहिए, मैं डिटेल अभी निकाल देता हूँ किसकी जिन किनको कितना कितना राहत पैकेज दिया गया बताइए, बाकी राज्यों का नहीं दिल्ली की बात, दिल्ली में हम ऐसी आईटीओ पर खड़े हैं, यहाँ पर गाड़ियां डूबी हुई हैं, पानी में चल चल कर लोग एक से दूसरी जगह पर जा रहे हैं और हम यहाँ पर बैठकर दूसरे राज्यों की, जी मैं वही कह रहा हूँ, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता, हम राजनीति नहीं जाना चाहते, दिल्ली को सर्वदलीय बैठक क्या बुलाएगी, क्या बुलाएगी आम आदमी पार्टी, इन लोगों की भी राय तो महत्वपूर्ण है ना, इन लोगों की भी राय, मैं तो कह रहा हूँ सबको आना चाहिए मदद करने के लिए लोगों की, क्यों नहीं आ रहे, सर्वदलीय बैठक आना चाहिए, सबको साथ आना चाहिए, सबको आना चाहिए, दिल्ली को डूबने से कैसे बचाया जाए, अब इनको इनको उसके लिए बता तो रहा हूँ मैं कैसे होगा, आप बोलिए हरियाणा पानी रोक दे ना छोड़े, हरियाणा पानी दिल्ली डूबने, हरियाणा अपना पानी कहाँ पर भेजे, हथनी कुंड बैराज से पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार में साजिश करके तो भेजाने का, जी सहारनपुर की नहर क्यों खाली पड़ी हुई है, कैनाल क्यों खाली पड़ी, सहारनपुर की नहर पर इनकी ज्यादा नजर है कि वहाँ वो चूंकि यूपी में आता है तो सहारनपुर की नहर जो है वो इनका इनका काम है भ्रांति पैदा करना, इनका काम है झूठ बोलना, गुमराह करना, अफवाहें फैलाना, ये जो कुछ भी कहते हैं उसके पीछे ना कोई सच है, ना कोई फैक्ट है, ना कोई तथ्य है, प्रश्न ये है कि जो माइक ले लीजिए, आपने 50,000 तथ्य सिविल डिफेंस की भर्ती करने का बताइए, नहीं आप तथ्य पहले बताइए, वहाँ पर स्टोरेज नहीं हो सकता, अभी भाग जाएंगे सवाल से, पहले बताइए आपने भी झूठ बोला, बांध नहीं है बैराज नहीं है वो, देखिए बैराज है, बैराज है वो, उससे पानी डाइवर्ट होता है ना, ये उसको जाता नहीं, ये बताइए हरियाणा में पानी जाता नहीं जाता उससे बताइए, जाता नहीं जाता बताइए, उनकी बातों का कोई सहारनपुर पानी जाते जाता उस शहर से बताइए, बताइए सरकार आपकी है, आराम नोटिंग कर रहे हैं, 1,000 करोड़ आप केवल ब्लेम गेम कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो, गंदी गंदी राजनीति मत करिए, गंदी की हालत क्या, अरे प्रधानमंत्री 1.5 लाख करोड़ लेते देते क्या वापस बताइए, लोगों की मौत हो चुकी है, केंद्र सरकार 1.5 लाख करोड़ देती है, 25 करोड़ वापस देती है उसमें से, दिल्ली देश की राजधानी 1.5 लाख करोड़ का टैक्स देती है दिल्ली वालों से, और जब आप बताती है खड़ी होती है केंद्र सरकार, एक करके दो दो लाइन में बताइए क्या होना चाहिए, अब यहाँ से क्या होना चाहिए दो लाइन में जल्दी से, दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए, दूसरा हाँ। सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, तीसरा ऑल पार्टी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम इस बाढ़ को ध्यान में रखते हुए हाँ। उसके लिए कितने भी सख्त कदम क्यों ना उठाने पड़े, तीनों पार्टियां उस पर साइन करें और वो कदम सरकार उठाए, एनक्रोचमेंट से रिलेटेड हो बिल्कुल, और तीन बच्चों की मृत्यु की जो डेथ है उसकी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, जल्दी से एक लाइन में सर, हम ये कह रहे हैं दोनों सरकार हैं, दोनों सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक दूसरे पर